Malhotra is the chairperson of the Chandigarh Lalit Kala Academy and is a renowned painter who works with watercolors, with nature and landscapes, his muse. Bheemji also teaches at the College of Architecture and art is the subject that he teaches. Over the last few years as the chairperson of the Academy, he has introduced very interesting concepts for the Academy involving a lot of public in art endeavors and also taking art out of galleries and studios into public places like Sector 17, the sculpture camp here at the College of Art, and also involving a lot of city artists as well as students in all these efforts. So in a way reaching out to more people, not just in the city but across the entire region. Bheemji's endeavor is to bring art closer to people and also demystify it in many ways, and along with it he continues to paint as well as teach. तो भीम जी बताइए थोड़ा सा अकेडमी और आपकी जो रिलेशनशिप है और कैसे आपने कुछ मन में था जब आपने एज चेयरपर्सन लिया कि मैंने ये कुछ चीज़ें करनी हैं जो नहीं हुई, जैसे चंडीगढ़ के आर्टिस्ट को बाहर ले जाना, उनकी एग्जीबिशन लगानी, पब्लिक को इन्वॉल्व करना इन आर्ट वर्कशॉप्स, तो ये सब आपको क्यों नीड लगा ये सब करने का? क्योंकि कुछ चीज़ें मन में तो चली रही थी, जैसे मैंने एज ए चेयरपर्सन ज्वाइन किया तो सोचा कि अब इनको एक्चुअलाइज प्रैक्टिकली कैसे इनको करना है, तो फिर उनके लिए हमने प्लानिंग की और तो काफ़ी सारे आइडियाज थे जो कई बार आदमी मन में सोचता है कुछ हो पाता है कुछ नहीं हो पाता, पर लकली जो मैंने सोचा वो हमने कर दिया, मतलब कि ये एक बेस्ट पार्ट था जो मतलब कि जैसे कुछ आउटडोर एक्टिविटीज थी, आपने देखा ये 17 सेक्टर वाला इवेंट था असेंबली हॉल में था, तो ये सब कुछ हमने आपने एक वहां कराया था कैपिटल कॉम्प्लेक्स में, वो बहुत अच्छा था और बहुत हफ्ता 10 दिन चला वो, जो हमारा एक एम था कि आर्ट को पब्लिक के साथ, पब्लिक को आर्ट के साथ जोड़ना, तो उसमें मेरे ख्याल हम काफी हद तक जो हमारा एफर्ट था वो उसमें हम कामयाब रहे हैं, मतलब की तो जैसे हम चंडीगढ़ के आर्टिस्ट को अभी हम जवाहर कला केंद्र जयपुर लेके गए थे, उसके बाद हम दिल्ली लेके गए, कुछ आर्टिस्ट का काम सोल्ड भी हुआ, तो वेरी इनक्रेजिंग रिस्पॉन्स। एंड आपने वो फेस टू फेस सीरीज किया इन विच यू गॉट चंडीगढ़ आर्टिस्ट, स्कल्प्टर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स एंड मेड देम कनेक्ट टू द पीपल। हाँ जी, सो आपको क्यों नीड लगा ये सब करने का कि पब्लिक इवेंट्स होने चाहिए, ऐसा क्या नीड लगा? क्योंकि आफ्टर ऑल आर्ट तो पब्लिक के लिए ही है जी। तो जो शहर के आर्टिस्ट थे उनका कुछ पार्ट ऐसे मिसिंग सा चल रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना सिटी आर्टिस्ट की सीरीज स्टार्ट की जाए, तो वो सीरीज हमारी अभी चल रही है, हम और आर्टिस्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें। जी जी, और आपने स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी इंडेवर्स किए हैं, जैसे अभी रिसेंट था एक ड्राइंग वर्कशॉप थी यूसुफ जी के साथ, उसमें यंग आर्टिस्ट एज वेल एज स्टूडेंट्स भी इन्वॉल्व थे। हाँ जी, हाँ जी। और आप काफ़ी इवेंट्स हैं जो आर्ट कॉलेज में और आर्किटेक्चर कॉलेज में भी करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम ये आपने बड़ा अच्छा कहा, हमने आर्ट को जैसे मैं कह रहा था पब्लिक को आर्ट के साथ, आर्ट को पब्लिक के साथ, सेम चीज हमने आर्ट को आर्किटेक्चर के साथ, आर्किटेक्चर को आर्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की। जैसे कुछ जो एनुअल आर्ट एग्जीबिशन थी उसमें इस बार बहुत आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स ने भी पार्ट लिया, स्कॉलरशिप स्कीम्स थी उनको भी मिले, तो ये किस तरह से आपने डिजाइन किया और कैसे इन स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया? देखो, मोटिवेट तो मैं स्टूडेंट्स को एज एन ए टीचर आर्किटेक्चर कॉलेज में करता ही रहता हूँ, तो उसी का पार्ट था कि मैं एकेडमी में आया तो मैंने एकेडमी में भी इनको प्रमोट किया, हमारे स्टूडेंट्स ने काफ़ी पार्टिसिपेशन रहा, तो जैसे हम बीवी दोषी को लेके आए, सिरीश बैरी को लेके आए, मतलब आर्किटेक्चर भी हमने पार्ट ऑफ द आर्ट हमने जोड़ा है, मतलब जिसका हमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मतलब की क्योंकि जो हाँ जी काफी सारे आर्किटेक्चर के स्टूडेंट थे आर्ट एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, तो अब वो रेगुलरली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, खाली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो अवार्ड भी ले रहे हैं, मेरिट में आ रहे हैं, ये तो बेस्ट पार्ट मतलब जी, की जी, तो वो माइंड्स खुलते हैं उस तरह से, ये माइंड तो उनका आर्ट और आर्किटेक्चर दोनों में ही खुलता है, वो उनके आर्किटेक्चर में हेल्प करता है। ओके,
ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। हाँ, ये कॉम्प्लीमेंट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ना जी। जो मतलब कि अभी तक आर्किटेक्चर के बच्चे समझते थे हम तो आर्ट वाली तरफ पार्टिसिपेट कर ही नहीं सकते जी, जी। अभी देखो स्कॉलरशिप में भी अप्लाई किया बच्चों ने जी जी, मतलब न्यू टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस हैज बीन डेवलप्ड जी जी। सिटी के आर्टिस्ट में भी जैसे अब धीरे धीरे जुड़ रहे हैं आपस में। और जब हम ये ऐसे इवेंट्स करते हैं जैसे स्कल्पचर कैंप हो गया, ड्राइंग वर्कशॉप हो गई, एग्जिबिशंस हो गई, तो उससे आर्टिस्ट भी एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, एक तरह का कनेक्ट बनता है। हाँ, कनेक्शन तो बनता ही। अब देखो हमने वो ब्लाइंड एक वो विजिलेंस इंपेयर्ड एग्जिबिशन की थी स्टूडेंट्स की, उन बच्चों में भी एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ जी, जैसे वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे जी। तो मतलब कि ये एक, जब हम एग्जीबिशन करते हैं उससे कॉन्फिडेंस तो डेवलप होता ही है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे हमने यंग टैलेंट का हम काम दिल्ली लेके गए, ऐसे हाँ कई बच्चे थे जिनका चंडीगढ़ से बाहर काम ही नहीं निकला था। अच्छा। तो इसी बहाने वो दिल्ली डिस्प्ले हो गया, जयपुर डिस्प्ले हो गया, खाली डिस्प्ले नहीं हुआ सोल्ड भी हो गया मतलब की। और एक एक्सपोजर मिलता है, एक नए ऑडियंस का। देखो ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि जयपुर का ऑडियंस है, दिल्ली का ऑडियंस है जी। और दिल्ली में तो बड़ा वास्ट सर्कल है जी, वहाँ जी। एक अलग तरह का एटमोसफियर है, तो उस एटमोसफियर में तो दिल्ली तक कई बच्चे सोचते हैं हमारा काश कभी काम दिल्ली डिस्प्ले होगा, तो हम उनका काम लेके गए दिल्ली में, उनका कोई खर्चा नहीं हुआ मतलब सब कुछ। हाँ जी, हाँ जी, आपने किया। तो जब आप ये प्रोग्राम्स और आर्टिस्ट को इनवाइट करते हैं तो किस तरह का एफर्ट और थॉट जाता है आपके एज एन आर्टिस्ट, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर तो जाता ही है, आपकी बात है, पर जैसे आप खुद एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत खूबसूरत वाटर कलर्स करते हैं और आपकी खुद की पेंटिंग बहुत डिफरेंट, मतलब आप एक चीज़ नहीं करते, ग्रो कर रहे हैं, इवॉल्व कर रहे हैं, तो एज एन आर्टिस्ट एंड एज अ चेयरपर्सन किस तरह से ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं जब आप प्रोग्राम्स डिज़ाइन करते हैं, क्यूरेट करते हैं, सोचते हैं, एज एन आर्टिस्ट क्या सोचते हैं? एज एन आर्टिस्ट तो हम ये सोचते हैं कि जो हमारा यंग टैलेंट है, जो नया टैलेंट है, कुछ नए आर्टिस्ट को चांस दिया जाए। हम सीनियर आर्टिस्ट को भी साथ लेके चल रहे हैं, कुछ नए आर्टिस्ट को भी ले रहे हैं। बाकी ये है कि जो हमारा ये कि ऑल ओवर आर्ट और आर्टिस्ट दोनों की प्रमोशन हो, ऐसा कुछ हमारी सोच चलती है। राइट, राइट। तो जो आपकी एज ए यंग पर्सन खुद की स्ट्रगल्स थी, तो आप वो भी सोच के करते होंगे कि इनकी थोड़ी स्ट्रगल कम हो अगर उनको ऐसा प्लेटफॉर्म मिले। देखो हमने, मैंने खुद बड़ा स्ट्रगल किया, मुझे पता है कि ये थोड़ा बताइए अपना स्ट्रगलिंग वाला फेस कैसे होता है, अपनी आर्ट करियर के बारे में थोड़ा बताइए। मैं तो वैसे हरियाणा से हूँ, गुहाना जिसको जलेबी टाउन बोलते हैं, तो मैं उधर से हूँ, तो मेरे ब्रदर भी वहाँ कुछ पेंट वेंट करते थे। जैसे ब्रूटा साहब ने बताया कि वो ब्रदर तो आर्टिस्ट बन नहीं पाए, तो मैं आर्टिस्ट बन गया। ओके, तो ऐसे आप यहाँ से ही पढ़े, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट से? हाँ, ये गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट सेक्टर 10 से ही पढ़ा हूँ। अच्छा, अच्छा। तो बेसिकली इंस्पिरेशन तो मेरे को उन्हीं से ही मिली थी। अच्छा, तो वो खुद बने नहीं, मैं आर्टिस्ट बन गया। अच्छा, और वाटर कलर क्यों चूज किए भीम जी? वाटर कलर तो काफी एक सेंसिटिव मीडियम है, स्पॉन्टेनियस मीडियम है, इसमें जो आप मूड एटमोसफियर कैप्चर कर सकते हो, जो टाइम कैप्चर कर सकते हो, वो किसी और मीडियम में नहीं है, जो मैंने फील किया है मतलब की। और एंड वाई नेचर एंड देखो वाटर कलर में फिर वही दूसरी बात, नेचर जितना बेस्ट आप वाटर कलर में कैप्चर कर सकते हो वो फिर कि वो दूसरे मीडियम में नहीं। पर आपके सिर्फ नेचर नहीं है, उसमें बहुत सारे अदर एलिमेंट्स हैं, जैसे आर्किटेक्चर फॉर्म्स भी आ जाते हैं और द सिटी आल्सो कम्स इन योर वर्क, बिल्कुल, एंड आल्सो प्रेजेंस ऑफ लॉट ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। So, किस इस तरह के एलिमेंट्स और आपका पेंटिंग स्पेशली जो आपके कलर्स हैं वो बहुत चेंज होते रहते हैं, एक फ्रेशनेस है, तो कैसे करते हैं? क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढने की सर्च में रहता हूँ, तो खाली ये नहीं कि ट्रेडिशनल वाटर कलर चल रहा है कई सालों से उसी को ही करो, तो मैंने उसमें काफ़ी ब्रेक किए हैं अपने वाटर कलर में भी, काफ़ी सारी कंपोजिशन लेके आया हूँ, कुछ सेमी एब्स्ट्रैक्ट भी लेके आया हूँ, जैसे जिसमें मेरे को साउथ जोर कल्चरल सेंटर से नेशनल अवार्ड मिला था जी। वो एक 6 फुट का वाटर कलर था, वैसे वाला लोग वाटर कलर में नॉर्मली वैसे कंपोजिशन आदमी सोच नहीं सकते कि ऐसा भी वाटर कलर हो सकता है,
वाटर कलर का नॉर्मल लोग समझते बस लैंडस्केप ही पेंट होते हैं और कुछ नहीं होता, तो उसको मैंने थोड़ा ब्रेक करने की कोशिश की है और उसमें जो मैंने ब्रेक किया है जो मेरे को रिस्पॉन्स मिला है वो दैट इज वेरी इनक्रेजिंग। और थोड़ा बताइए कि कुछ इवेंट्स जो आपके दिल के बहुत करीब हों जो आपने चंडीगढ़ ललित कला एकेडमी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं चीजें जो हम करते हैं क्योंकि करनी ही है, आई अप्रिशिएट फॉर दिस क्वेश्चन, पर कुछ चीजें होती हैं जो दिल के बहुत करीब होती हैं। जो मैंने बिल्कुल नए आइडिया सोचे एकदम डिफरेंट लीग से हटके मैंने सोचा कि ये भी हो सकता है वो मैंने हमने किए भी, तो जैसे सेक्टर 17 वाला इवेंट था, ये जो कुछ लोग इसके बारे में कुछ कुछ कह रहे थे पर फाइनली द रिजल्ट वाज वेरी गुड। कई बार आदमी को ना अपने अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, इंट्यूशन होता है, एक गट फीलिंग होती है, फीलिंग होती है कि ये काम सही जाएगा, चाहे लोग उसके बारे में जो मर्जी कहें, द एंड रिजल्ट इज गुड, वो अंदर से कॉन्फिडेंस होता है, तो वो ईश्वर की कृपा से वो इंट्यूशन वो मेरे अंदर आया, जो मैंने सोचा है जो विजुलाइज किया है वो एकदम सही उतरा है। मतलब कि जैसे 17 वाला इवेंट था, ये जो अभी इवेंट हमने विजुअली इम्पेयर्ड वाला किया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स वाला इवेंट था, जैसे देखो कोई भी नया काम करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी तो आती है पर इट इज़ डिफिकल्ट, तो वो जब उसके फाइनल रिजल्ट हैं वो आप अगर उसमें सिंसियर एफर्ट्स करते हो तो रिजल्ट तो अच्छे निकलते ही निकलते हैं, वो हमने रिजल्ट अच्छे निकाले भी हैं। जैसे 70 जो आपने दिल के पास वाले इवेंट बोले, 17 वाला इवेंट था जी, वो जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स वाला था, अभी मैंने एक दो इवेंट बताए हैं, तो ये सब और भी काफी सारे सोचे हुए हैं इवेंट। पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव्स भी आपने काफी लिए हैं, हाँ जी, हाँ जी। जैसे वो सबवे में म्यूरल डिजाइन को फ्लोट करना है, सुखना लेक पे स्कल्पचर्स लगाने हैं, आप सोच रहे हैं कि डिफरेंट गार्डन्स में भी स्कल्पचर्स हों ताकि लोग कनेक्ट कर सकें, जो यहाँ का स्कल्पचर्स कैंप आपने कराया वो देश के सारे बेस्ट स्कल्पचर्स वगैरह, जैसे आप 17 वाला कह रहे थे, उसमें हमने 17 कोलिजन, कितना अच्छा कंसेप्ट लेके चले, 17 17 17, मतलब वो भी अपने आप में एक अलग से वो था जी जी। तो ये बताइए थोड़ा पब्लिक आर्ट जो इनिशिएटिव्स हैं कि आप जो स्कल्पचर्स बाहर लेके जा रहे हैं पब्लिक डोमेन में, जो वॉल म्यूरल सोच रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन भी एक एस्पेक्ट है उसका, और दूसरा एस्पेक्ट है कि लोग थोड़े आर्ट के करीब आए, देखते हैं अच्छा ये म्यूरल है कैसे बना है, तो ये क्या सोचा पब्लिक आर्ट इनिशिएटिव्स? जैसे म्यूरल वगैरह हैं, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत खूबसूरत म्यूरल था, बड़ा अच्छा, उसमें एक तरह का ब्राइटनेस आ गया है हॉस्पिटल के। तो ये हमारा एक प्रोजेक्ट था जिसमें चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन भी चाह रहा था, हम भी चाह रहे थे, तो ये हमने एक दो जगह जैसे सर्वे है वहाँ भी करना है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी हमें पूरा सहयोग रहा है, तो जो हमारी जो सोच के साथ वो भी चले हैं, हम उनकी सोच के साथ चले हैं, जैसे वॉल म्यूरल वगैरह थे तो उसका भी रिजल्ट आगे हमने फ्यूचर भी हमने कुछ वॉल सेलेक्ट करके रखी हुई हैं, तो फ्यूचर में भी हम ऐसा कुछ करेंगे जी। और आपका एक और ड्रीम प्रोजेक्ट था कि एक आर्टिस्ट रेजिडेंसी हो परमानेंट चंडीगढ़ में, हाँ, वो देखो जहाँ आर्टिस्ट काम कर सकें एक दूसरे से, जैसे गड़ी स्टूडियोज है दिल्ली में, यहाँ ऐसा कोई स्पेस नहीं है, तो वो भी आपका मन था कभी कि ऐसा होना चाहिए? मन था भी और है भी, और अभी हमारी बातचीत चल भी रही है। अच्छा, अभी हमने ग्राफिक जो स्टूडियोज वो तो हमने फाइनल जगह कर ली है नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर में, जो कलाग्राम है भीम जी, कलाग्राम में, वहाँ हमने ग्राफिक्स के लिए हमने एक स्पेस सेलेक्ट कर ली है, वो फाइनल भी हो गई है। अभी एक मीटिंग हुई थी, गवर्नर वगैरह भी उसमें थे नैनीताल में, तो उसमें हमने सारा ये फाइनल कर दिया था, अप्रूव भी हो गया है। क्योंकि ये बेचारे जो पेंटिंग वाला घर में पेंटिंग कर लेते हैं, स्कल्पचर वाला भी चलो स्कल्पचर कर लेते हैं, ग्राफिक के इक्विपमेंट वगैरह काफी कॉस्टली हैं, लिथोग्राफ की भी कर नहीं सकते, तो उनके लिए हमने सबसे पहले मतलब ये वाला इनिशिएटिव लिया है, तो वो ओके भी हो गया। तो उसमें क्या होगा भीम जी, स्टूडियो में सारा वो स्पेस देंगे नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर वाले, ये हमारा इनिशिएटिव है, तो वहाँ पे कोई भी ग्राफिक आर्टिस्ट आके काम कर सकता है। तो अभी हमने काफी लंबे टाइम के बाद एक ग्राफिक वर्कशॉप भी की, वर्कशॉप की थी वो भी काफी टाइम के बाद हुआ था इवेंट जी, जी, तो हमने कुछ एरियाज को टच करने की कोशिश की है जो या तो टच हुए नहीं या काफी लंबे टाइम से टच नहीं हुए थे, तो वो हमने हमारा छोटा सा एफर्ट्स था
पेंटिंग से अलग जाके ड्राइंग वर्कशॉप थी, ड्राइंग वर्कशॉप भी, ड्राइंग वर्कशॉप लोग होती है बड़ी, बड़ी कम होती है ड्राइंग वर्कशॉप, हाँ जी, हाँ जी, तो वो भी हमने अलग अलग तरह कुछ लिथोग्राफ्स पे भी किया था आपने, हाँ जी, हाँ जी। और कुछ जैसे आदमी किसी अलग चीज की तलाश में रहता है जी। तो उस तलाश में हमने काफी अलग चीजें करने की कोशिश की जी। तो किस तरह के एफर्ट जाते हैं ये सब करने में? आर्टिस्ट ओपन होते हैं आपके आइडिया से और सब नहीं, चीज़ों से? वी हैव गॉट एक्सीलेंट रिस्पांस द वे वी हैव विजुलाइज एंड डिजाइन द होल इवेंट्स जी। तो और ऑडियंस की सपोर्ट कितनी जरूरी होती है? ऑडियंस की सपोर्ट भी, बिना ऑडियंस के तो कुछ नहीं है। तो ऑडियंस की सपोर्ट भी देखो, ऑडियंस मैंने देखा है कि जो आप कुछ अलग करोगे ना, ऑडियंस जरूर सपोर्ट तो करेगी करेगी मतलब की जी। तो ऑडियंस की सपोर्ट तो हमें रही है, मतलब आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द ऑडियंस ऑफ चंडीगढ़। आप सबका भी बड़ा सहयोग रहा है हमें, मीडिया का भी, उसी सब कलेक्टिव एफर्ट है। तो दिस इज कलेक्टिव कोलैबोरेटिव एफर्ट कह लो, मतलब की मीडिया ने भी हमें पूरा सहयोग दिया, जैसे आप हैं और जितने भी हैं, तो ऑल ओवर आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। ये जो थोड़ा सा जो भी हमने पीरियड दो साल का था ये जी। और आगे क्या प्लान है, कुछ ऐसे इवेंट्स जिसके बारे आगे में जैसे हम आर्टिस्ट की, हम डायरेक्टरी बना रहे हैं। अच्छा। चंडीगढ़ आर्टिस्ट के ऊपर हम बुक बना रहे हैं, उसका हमने सारी फॉर्मेलिटीज वगैरह ऑलमोस्ट पूरी कर ली है, अभी हमने वो स्टार्ट करना है प्रोजेक्ट, लेटर वगैरह हमने भेज दिए जी, जी। तो और जैसे हम थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पे भी, जैसे चंडीगढ़ बैनाले का हम सोच रहे हैं okay. चंडीगढ़ बैनाले दिस इज बिग प्रोजेक्ट, उसके लिए उसके एफर्ट हम कर रहे हैं okay. क्योंकि जैसे और सिटीज में बनाले होते हैं, दूसरे कंट्रीज में होते हैं, कोची बनाले होते हैं, तो वाई नॉट चंडीगढ़ बनाले। अच्छा। तो उसका भी थोड़ा सा कुछ है आइडिया, आगे देखते हैं। अच्छा। जैसे कुछ तो हम स्टेट एकेडमी से कोलैबोरेशन कर रहे हैं, जैसे राजस्थान ललित कला एकेडमी से हम कोलैबोरेशन कर रहे हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत हमारा है वो जो मोदी जी का, उसके अंडर भी हम कुछ आर्टिस्ट दादर एंड नगर हवेली जा रहे हैं, कुछ उनके आर्टिस्ट इधर आए हैं, तो ऐसे हम दूसरे स्टेट एकेडमी से, स्टेट से भी कोलैबोरेशन में कुछ काम कर रहे हैं, जैसे राजस्थान वालों की एग्जीबिशन उनके साथ हमारा ऑलमोस्ट फाइनल हो गया, देखो नियर फ्यूचर में उनके साथ भी हम कुछ करेंगे okay. और भी काफी सारे थिंग्स आ रहे हैं पाइपलाइन, बाहर से भी लोग यहाँ आए और यहाँ से लोग बाहर जाए, पाइपलाइन में है कुछ चीजें, मतलब की अब जी काफी कुछ सोचा हुआ था कर दिया जी, जी। और सबसे बड़ी पार्ट तो मेरे को सेटिस्फेक्शन यही है जी। कि आदमी सोचता तो बड़ा कुछ होता नहीं है कई बार ना, वो हमने जो सोचा कर दिया, दिस इज द बेस्ट पार्ट, मतलब राइट राइट। और जहाँ आपका काम साथ साथ चलता रहता है? हाँ, मेरा काम थोड़ा सा कम तो जरूर हुआ है, पर ऐसा भी नहीं की साथ साथ चलता रहा, एक दो मैंने एग्जीबिशन भी किए, कम जरूर हुआ है मतलब, क्योंकि इधर मेरी काफी इन्वॉल्वमेंट रही है जी। क्योंकि ये काम ऐसा है, अगर आप इसके अंदर तक नहीं घुसोगे, डिटेल में नहीं जाओगे, तो ये काम फिर उसमें परफेक्शन नहीं आती, उसके लिए तो आपको कहीं ना कहीं अंदर तक घुसना ही पड़ता है इफ यू वांट प्रॉपर, अगर आपको कुछ चाहिए तो बेस्ट रिजल्ट्स चाहिए। हाँ जी, जी। और कैसा लगता है जब आप पिछले दो साल देखते हैं, तो अगर छोटे से कुछ शब्दों में कहना चाहें, आपने क्या सीखा है इन दो सालों में अकेडमी से और इस सारे प्रोसेस से और इतने इंटरेक्शन से, आपने भी कुछ लिया होगा एज एन आर्टिस्ट, एज अ पर्सन आर्टिस्ट, काफी सारे आर्टिस्टों से मिले हैं, काफी सारे लोगों से भी मिले हैं, बड़ा कुछ समझने को मिला है, देखने को, जानने को मिला है, मतलब कि आर्टिस्टों के बारे में, और बड़ा कुछ ऐसा कुछ जानने को मिला है कि मतलब कि एक नए तरह का एक्सपीरियंस था ये, क्योंकि ये एक्चुअली इट वाज नॉट माय कप ऑफ टी ना दिस चेयरमैनशिप, तो मुझे जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन ने दी तो मैंने इसको लिया, तो अपनी तरफ से जितनी सिंसियरिटी से, ऑनेस्टी से हमने काम किया जी. उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा मिला जी. बाकी तो कोई आदमी नई जगह कुछ नया एक्सपीरियंस लेता तो और भी काफी कुछ जानने को, सीखने को तो मिलता ही है। Thank you, Bheem ji. So, thank you very much. Thank you very much. Welcome.